राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। आगरा सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक मासूम रेलवे इंजन के बीच में फंसा हुआ है बच्चा रो रहा है और उसे ट्रेन के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को जिसने भी देखा दंग रह गया। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो 21 सितंबर का है। अक्सर एक कहावत सुनने को मिलती है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यह कहावत उस समय चरितार्थ हो गई जब बल्लमगढ़ रेलवे स्टेशन के पास एक 2 साल के मासूम को उसके ही भाई ने चलती ट्रेन के सामने फेंक दिया। गनीमत रही कि लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट अतुल आनंद ने हिम्मत दिखाकर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए और बच्चे की जान बचा ली। उसे सकुशल उसकी मां को सौंप दिया। बाद में जब ट्रेन आगरा पहुंची तो उसने इसकी लिखित जानकारी आगरा रेलवे मंडल के अधिकारियों को दी, जिसके बाद डीसीएम ने लोको पायलट की जमकर तारीफ की। इस पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें मासूम ट्रेन के इंजन के बीचों बीच फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह मालगाड़ी 21 तारीख को फरीदाबाद से चली थी। इसी दौरान बल्लमगढ़ स्टेशन के पास अचानक ही एक 15 साल के लड़के ने 2 साल के मासूम को उछालकर ट्रक पर फेंक दिया। ट्रेन में तैनात आगरा मंडल के लोको पायलट दीवान सिंह ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाए, जिससे मासूम की जान बच गई। लोको पायलट ने बताया कि ब्रेक लगाने पर जब वह नीचे उतरा तो बच्चा पहियों के बीच फंसा था। हालांकि सकुशल था और बहुत डर गया था। लोको पायलट ने उसे इंजन से निकालकर मां के सपुर्दे कर दिया। इस पूरी घटना की जानकारी उसने आगरा छावनी स्टेशन पर वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता उत्तर प्रदेश रेलवे को वीडियो समेत लिखित जानकारी दी। लोको पायलट को असिस्टेंट लोको पायलट की सूझबूझ से एक मासूम की जान बच गई। वाईके सिटी न्यूज से जिला संवाददाता जितेंद्र कैन की खास रिपोर्ट आगरा से। मीडिया में तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, उसका सब जानेंगे तो आपकी भूख आप जाएगी। हाँ, आपको बता दें किस तरह से एक मासूम बच्चे को ट्रेन के आगे फेंक दिया। 12 साल के ही भाई ने 2 साल के मासूम भाई को ट्रेन को आते हुए देखा तो उसने अपने ही भाई को ट्रेन के आगे फेंक दिया। जब यह बच्चे को ट्रेन के आगे देखा तो तुरंत तत्काल में इमरजेंसी ब्रेक लोको पायलट ने लगा दी और उस बच्चे की जान बचा ली। आप साफ तौर से देख सकते हैं बच्चा इंजन में फंसा हुआ था, उसकी जान बचा के उसकी मां को सुपुर्द कर दिया गया है। और इसकी जानकारी जब रेल अधिकारी को आगरा छावनी को हुई तो उन्होंने लोको पायलट की काफ़ी प्रशंसा की है। मैं जितेंद्र कैन। लोको पायलट वाला मामला बच्चे को बताया गया। मामला ऐसा है कि ये घटना है 21 सितंबर की, जब हमारा लोको पायलट आगरा मंडल के श्री दीवान सिंह हैं और उनके साथ साथ असिस्टेंट लोको पायलट अतुल आनंद हैं। ये दोनों एक मालगाड़ी को बल्लभगढ़ स्टेशन से लेके आ रहे थे। ये बल्लभगढ़ स्टेशन दिल्ली डिवीजन का स्टेशन है और अभी एडवांस स्टार्टर तक ही पहुँचे थे कि उन्होंने देखा कि एक 14-15 साल का लड़का है, जिसके हाथ में एक छोटा सा लड़का था जिसको उठा के ला रहा था और उस बच्चे को दोनों लाइनों के बीच में छोड़ के और भाग रहा था। इन दोनों ने देखा उसको और गाड़ी चल रही थी, अचानक उसमें ब्रेक लगाया इन लोगों ने और ब्रेक लगने के बावजूद भी गाड़ी जो है वो बच्चे के ऊपर तक आ गई थी इंजन। क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा था, 1.5 साल का था, इसलिए वो किसी प्रकार से हर्ट नहीं हो पाया। कितना सराहनीय काम है। इन दोनों ने मिलकर उस बच्चे को बड़ी मेहनत से निकाले हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों जो हमारे असिस्टेंट लोको पायलट है, दोनों कितने सजग थे कि इन्होंने तुरंत उसको देखा है, सारी एक्टिविटी को रीड किए हैं और उसके अनुसार उसमें ब्रेक लगाए हैं गाड़ी में और वर्षक कोशिश किए हैं कि गाड़ी रुके और गाड़ी रुकी है
और इसके बाद से नीचे उतरे हैं और पूरी मशक्कत के साथ उस बच्चे को बिल्कुल सेफली निकाले हैं। अब आप सोच सकते हो कि एक छोटा सा बच्चा जिसको कोई भी ज्ञान नहीं है, वो इंजन के नीचे क्या एक्टिविटी कर रहा है, और उसको फिर सेफली निकालना, अगर इंजन बैक करते हैं तो भी दिक्कत, अगर घुस के निकालते हैं तो भी दिक्कत, लेकिन उसको निकाला गया। ये बहुत बड़ा एक भागीरथ प्रयास रहा और बहुत बड़ा एक मानवता का एक बड़ा ही मतलब कि सराहनीय मिसाल कायम किया है। सम्मान भी किया जाता है अच्छा काम करने वाले जो तक। बिल्कुल, रेल में सिद्धांत है कि जो भी व्यक्ति अच्छा काम करता है, चाहे वो रेल के लिए पर्टिकुलर काम करे या हमारे समाज के लिए काम करे, जहाँ हमें ऐसा लगता है कि ये एक सराहनीय कार्य है, तो वहाँ हम उसको प्रोत्साहित करने का भरपूर कोशिश करते हैं और किया भी जाता है।